करनाल के इंद्री के गांव जोहड़ माजरा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इसको लेकर पूरे गांव में स्कूल के अध्यापकों में खुशी का माहौल है। स्कूल स्टाफ व गांव के लोगों का कहना है कि अब हमारा अगला लक्ष्य जिला व प्रदेश स्तर पर स्कूल को प्रथम स्थान हासिल करना होगा। इस बारे में स्कूल के मुख्याध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि उपमंडल स्तरीय इस प्रतियोगिता में हल्के के कई स्कूलों ने भाग लिया था। इन स्कूलों के निरीक्षण के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें तहसीलदार, बीईओ, दो स्कूलों के प्रिंसिपल व कुछ अन्य लोगों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि 9 मार्च 2021 को उनके स्कूल का निरीक्षण किया गया था, जिसका आज परिणाम आया है। इस दौरान इस टीम द्वारा स्कूल के भवन, फर्नीचर के रखरखाव, सफेदी व रंग रोगन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, रसोई घर, पानी व सफाई की समुचित व्यवस्था, चार दीवारी व क्रीड़ा स्थल इत्यादि का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल को प्रथम स्थान दिलाने में सभी अध्यापकों व गांव वालों का विशेष योगदान रहा है, जिनके सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं हो सकता था। स्कूल को प्रथम स्थान हासिल होने पर 50,000 रुपए की नगद राशि का इनाम मिलेगा। डॉक्टर सुरेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि जब उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व स्कूल का पदभार संभाला था, तब यहाँ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल था। उन्होंने अपने स्टाफ सदस्यों व गाँव के समाज सेवी लोगों के सहयोग से स्कूल को सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो सके। समाज सेवी रमेश भाटिया, पंच बलविंदर सिंह, हरविंदर सिंह व अध्यापिका किरण भाटिया ने स्कूल के प्रथम आने पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि सभी के सहयोग से ये कार्य संभव हो पाया है। हमारा अगला लक्ष्य स्कूल को जिला व प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल कराना होगा। सौंदर्यकरण में आपका स्कूल प्रथम आया है ब्लॉक में, क्या कहते हैं? ये मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होती है और इस वर्ष जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोड़ माजरा की तरफ से हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, क्योंकि हमने स्कूल में पिछले काफ़ी समय से इसको सुंदरता और प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। उसमें हमारा रिजल्ट आज ही खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा फ़ोन पर सूचना मुझे दी गई और हमारा जो स्कूल है वो उपमंडल स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम रहा है, जिसमें काफ़ी मानक होते हैं, सफाई है, पानी की व्यवस्था, जल संरक्षण और बेंच बैठने की व्यवस्था, और ये सब व्यवस्थाएं मिला करके उसमें मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हम जो हैं सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। और हमारे स्कूल को 50,000 रुपये हरियाणा मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण प्रतियोगिता के तहत पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम सभी स्टाफ का और गांव वासियों का भी धन्यवाद करते हैं। इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा इस स्कूल में, थैंक यू। तो कितना समय लग गया इसमें आप लोगों को सौंदर्यकरण करने में? स्थिति थी पहले जब आप लोग मैं 6 सितंबर 2019 को आया और उसके बाद जो है 2020 लगभग पूरा कोरोना के तहत लॉकडाउन रहा, लेकिन लॉकडाउन में भी हमारे जो कार्य थे, निर्माण कार्य स्कूल की ज़रूरतों के, वो चलते रहे समाज के सहयोग से। और हमारा कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हमने काम नहीं किया। पहले क्या स्थिति थी? पहले स्कूल काफ़ी डाउन स्थिति में था, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं थी, स्कूल में पेंटिंग की नहीं थी, बेंच नहीं थे, यहाँ तक कि स्टाफ के बैठने के लिए कुर्सियाँ भी पूरी नहीं थी, बिजली की जो फिटिंग है कमरों में वो भी तारें लटकी हुई थी, कोई ट्यूब लाइट्स वगैरह नहीं थी। अब जो है ये सभी व्यवस्थाएं हमने करके, और ये पूरा स्कूल जो है अंडर सीसीटीवी कैमरास के है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। स्कूल का गेट का निर्माण हो, टॉयलेट के निर्माण हो और स्टेज का निर्माण हो, चाहे बच्चों की प्रेयर ग्राउंड में इंटरलॉकिंग का काम करवाने की व्यवस्था हो, तो ये सब कार्य करवाते हैं। अंडरग्राउंड टोटल बिजली की फिटिंग है, तो किसी प्रकार का भी कोई खतरा नहीं है। पौधे जो है हम लगा रहे हैं, फूल वाले पौधे भी हमने जो है काफ़ी मात्रा में लगाए हैं, जैसा कि आप प्रांगण में देख सकते हैं, और छायादार और फलदार वृक्ष, और यहाँ तक कि जो ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से संबंधित हैं वो भी हमने लगाए हैं, ताकि बच्चों को हम उससे संबंधित ज्ञान दे सकें। तो टीम में कौन कौन शामिल थे जब इसका निरीक्षण किया गया? 9 मार्च को हमारे स्कूल का निरीक्षण हुआ, जिसमें एसडीएम
साहब की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, जिसमें तहसीलदार श्री बलविंदर सिंह जी, खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र बंसल और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर राममूर्ति जी जो खेड़ी मानसिंह में प्रिंसिपल हैं, और प्रधानाचार्य गढ़ी जाटान श्री चंद्रशेखर जी, वह उनकी टीम में और दो तीन लोग और थे जिन्होंने निरीक्षण किया था। पता लगा कितने स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया? इसमें काफ़ी स्कूल थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे तो अपना स्कूल पता है कि हमारे स्कूल में वो लोग आए और उन्होंने सारी चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण किया था जी। अभी हम उपमंडल स्तर पर प्रथम आए हैं, इससे अगला जो लक्ष्य हमारा है वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का है, और उसके बाद हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तक भाग लेने का की प्लानिंग हमारी है जी। हमें बहुत खुशी है कि भी हमारा गांव जो है ब्लॉक स्तर पर सफाई में फर्स्ट आया है, इसके लिए तो श्रेय हमारे स्टाफ को जाता है स्कूल के, और हम आशा करते हैं भी हम डिस्ट्रिक्ट में भी और हरियाणा प्रांत में के संघर्ष में भी हम अव्वल आएँ तो और भी अच्छी बात है, और हम तय दिल से गांववासी भी मास्टर जी के साथ साथ हैं और पूरा पूरा सहयोग देने को तैयार हैं जी। हाँ जी, मैं बलविंदर कुमार जी, हमारे गांव का स्कूल ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट आया है, इस बात की बहुत खुशी हुई है, सारे गाँववासियों को खुशी है। जब से हमारे गाँव में सुरेंद्र दत्त शर्मा जी प्रिंसिपल आए हैं तब से हमारा स्कूल दिनों दिन तरक्की कर रहा है, और हम ये कोशिश करेंगे कि स्टाफ के साथ रल के जिला स्तर पर भी इसको फर्स्ट लाने की के लिए प्रयत्न करेंगे सर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं किरण भाटिया, मैं एडमिनिस्ट्रेटर जोड़ माजरा। आज जो हमारे स्कूल का सौंदर्यकरण में प्रथम रिजल्ट आया है उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ, और आगे भी हम इसको और सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।